निकाय चुनाव के रण में लगातार कैंपेनिंग का दौर चल रहा है और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव पहुंचे हैं। ये सूफी हाता ये कंपाउंड है और यहाँ पर देखिए सभी मुस्लिम भाइयों से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, उन्होंने वोट अपील किया और यहाँ पर आके लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। बताइए क्या नाम है और ये बताइए किस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मेरा नाम मिन्नत गोरखपुरी है। मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो हमारे बीच के हैं, दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग उनकी हुई है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग यानी हमारे शहर के हैं नहीं, जब वो शहर की नहीं है तो समस्याओं का निदान क्या करेंगे। आप मुझे बताइए, अभी वो चुनाव जीत भी जाएंगी अगर तो वो ऐसी जगह चली जाएंगी जहाँ से पता ही नहीं कि हमारे शहर में जल जमाव हो रहा है, कि हमारे शहर के लोगों की समस्याएँ क्या हैं। तो यकीन जानिए, और डॉक्टर साहब एक सरल व्यक्तित्व है तो यकीन, और सभी जात धर्म से ऊपर उठ करके आप जानते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जैसा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम कर रही है, तो हम सब एक बार उन पर विश्वास करना चाहते हैं। सब लोग विश्वास करना चाहते हैं। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव इसी शहर के हैं। काजल निषाद भी चुनाव मैदान में, क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी टक्कर दे रही है? टक्कर नहीं दे रहे, डॉक्टर साहब जो निकल रहे हैं उसमें कोई दुविधा की बात नहीं, और हम लोग उनको पूरा वोट अपना सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे पूरे लोग। आपका क्या कहना है, आप कितना सपोर्ट कर पाएंगे? काजल निषाद भी बड़ी फाइट कर रही हैं, निषाद वोट बैंक भी है, मुस्लिम वोट बैंक भी है। जी सर, मेरा नाम अजमेर आलम है और गोरखपुर की जनता का फुल सपोर्ट डॉक्टर साहब के साथ है। काजल निषाद कई बार आई हैं, विधायक की लड़ी हैं, कितना बार हार के गई हैं, वो आ रही वोट बर्बाद करने, उनको लड़ना नहीं चाहिए था। यहाँ सिंगल में डॉक्टर साहब आ रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं बहुमत अधिक से अधिक संख्या उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार डॉक्टर साहब रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत बहुमत देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी भाई बंधु है, यहाँ पर जान लेते हैं क्या नाम है और किस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तमाम प्रत्याशी अपनी जीत की का दावा कर रहे हैं। मेरा नाम जमील अहमद है। मैं सबसे पहले ये यहाँ की आज को भीड़ को देख के ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और आज ये देख के लग रहा है जिस तरह के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और डॉक्टर साहब का समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब एक भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे इस महा। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? और ये बताइए, काजल निषाद भी टक्कर देती हुई दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और कह रही हैं कि मुस्लिम वोट उनके साथ है, निषाद पार्टी भी के जो निषाद समाज के जो लोग हैं वो भी उनके साथ। देखिए मेरा नाम राजीव खान है और निषाद समाज की जहाँ तक बात हो रही है तो निषाद समाज निषाद पार्टी बीजेपी से खुद पहले से कांटेक्ट में है, कोई निषाद समाज का सवाल ही नहीं उठता, और डॉक्टर साहब का पर्सनल व्यवहार है उसको देखते हुए मुस्लिम समाज उनके साथ है। तो वो तो काजल निषाद तो कह रही हैं कि डॉक्टर संजय निषाद उनके ससुर हैं और वो मौका देंगे अपनी बहू को विकास करने का, जीत दिलाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, संजय निषाद अपनी खुद पार्टी निषाद पार्टी बनाए हुए हैं, काजल निषाद से उनका कोई तालमेल नहीं है। जो ये सूफी हाता इसको कहते हैं जगह, और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव गोरखपुर के रहने वाले हैं और उन्हीं के साथ यहाँ पर उनको विकास भी दिखाई दे रहा है, और इसी विकास के बूते जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उन्हें चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं। आने वाला देश और बेहतर बनेगा, आप चिंता ना करें, बहुत बेहतर बनेगा। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस भ्रम को फैलाकर हम सबको बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी जितने भी बंधन हैं वो टूटेंगे, कहीं भी जो गांठें हैं वो खुल जाएंगी और हम एक अच्छा अपना शहर गोरखपुर और प्रदेश और देश बनाएंगे। मुस्लिम समाज के लोगों के कितना समर्थन आपको मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है, आपने देखा नहीं क्या? यहाँ बहुत सारे हमारे मित्र हैं, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ और सब मेरी मदद करते रहते हैं, चाहे वो जो है बेकार में बहुत सारे दिलशाद भाई हैं, आदिल अमीन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो है एक ही दो लोग, तो जो है वो बिल्कुल जो है आपको स्नेह दिख रहा होगा और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये बड़ाई करूं कि साहब मुझे इतना बहुत सारा प्यार मिल रहा है। डॉक्टर साहब, चुनाव तो बहुत से हुए लेकिन पहला मौका होगा जब इस तरह का कार्यक्रम हुआ और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ पहुँचे और अल्पसंख्यक के लोगों ने सपोर्ट किया। हम अपनी बात उनसे कह रहे हैं और वो उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया, तभी तो ये स्थिति आई, नहीं तो फिर क्यों आती। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो है संवादहीनता से जो है गांठें खुलती नहीं है, तो संवाद तो होना ही चाहिए, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं हमारा
बातें हुई और आज से नहीं, बहुत दिनों से, ऐसा नहीं है कि जो है केवल ये इस इलेक्शन के लिए हमने किया, इस बहुत पहले से हम सभी बहुत मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारे तो संस्कार भारती में मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हमें बहुत मदद करते हैं और उसमें चाहे वो जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और तो और कृष्ण जन्मोत्सव में बहुत सारे बच्चे कृष्ण भगवान का वेश धर के आते हैं और हमने उनको बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बस उन्होंने बन गए और हो गया, कोरम पूरा कर दिया, वो कोरम भी नहीं, वो बिल्कुल प्राइजेस जीते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। वही मैंने कहा ना कि शुरू में कि आपको ये जो भ्रम उत्पन्न करने की स्थिति है वो धीमे धीमे बादल छट रहे हैं और बढ़िया बेहतर बढ़िया हिंदुस्तान बनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।